शाम मस्तानी मदहोश किए जा। ये हिंदी सिनेमा के वो कलाकार थे जो सही मायनों में पहले सुपरस्टार बने। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। उन्होंने रुपहले पर्दे पर सफलता के जो झंडे गाड़े, जो ऊंचाइयां हासिल की, उसका मुकाबला आज तक कोई दूसरा कलाकार नहीं कर सका। रहने तो छोड़ो, भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना के साथ पर्दे पर उतरने और ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन जोड़ी बनाने के लिए हर एक्ट्रेस बेताब रहती थी। क्या आप जानते हैं कि कौन थी वो अदाकारा जिसके साथ राजेश खन्ना की जोड़ी सबसे ज्यादा कामयाब रही और सराहाई गई? गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली, कली कली। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यही एक्ट्रेस राजेश खन्ना के साथ कभी काम ही नहीं करना चाहती थी और ईश्वर से दुआ मांगती थी कि वह जो भी फिल्म साइन करे उसमें राजेश खन्ना ना हो। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस हीरोइन के बार बार टोकने पर भी राजेश खन्ना ने अपनी एक गलत आदत कभी नहीं बदली, जिसके कारण दोनों के रिश्तों में तनाव आ गया और दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया था। तो लोग कहेंगे लोगों का काम। क्या थी राजेश खन्ना की वो आदत जिसका असर उनकी को एक्ट्रेस के निजी जीवन पर पड़ रहा था? राजेश खन्ना ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये एक्ट्रेस उनके साथ काम करते हुए परेशान हो जाती थी? तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हम। कौन थी ये अदाकारा और क्या किया उन्होंने अपने दौर के नंबर वन अभिनेता राजेश खन्ना से पीछा छुड़ाने के लिए? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मेरा नाम है ज्योति। आपको ये डायलॉग जरूर याद होगा, पुष्पा आई हेट टीयर्स। यहाँ तुम्हारे दुख के आंसू सलाइन वाटर, आई मीन नमकीन पानी के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए इन्हें पहुंच डालो पुष्पा, आई हेट टीयर्स। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बॉलीवुड में काका के नाम से मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी को स्टार शर्मिला टैगोर के बनते बिगड़ते रिश्तों की। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की सुपरस्टार जोड़ी ने कई बेहतरीन और यादगार फिल्में की। दोनों ने रोमांस, मिलन, जुदाई और वात्सल्य के भी रंग फिल्मी पर्दे पर खूब बिखेरे। तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, चल पड़ी मैं साथ तेरे सारी दुनिया। आराधना फिल्म में तो शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना की प्रेमिका और पत्नी के साथ साथ माँ की भूमिका भी निभाई। जा रहा हूँ, सबको खत्म करके आऊंगा, आई विल फिनिश देम ऑल। आशीर्वाद दो कि वापस लौट कर आपके हाथ का खाना खाऊं। जाओ बेटा, कामयाब हो क्या ना। इस बेहतरीन जोड़ी ने एक तो नहीं कई हिट फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री ने दर्शकों के दिलों में कभी रोमांस तो कभी उन्हें भावनाओं के महासागर में डुबो दिया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे। बेमिसाल और हिट फिल्में देने के बावजूद शर्मिला और राजेश खन्ना की ये जोड़ी जब अपनी कामयाबी के शिखर पर थी, तब हिंदी और बंगाली सिनेमा की इस बेहतरीन अदाकारा को राजेश खन्ना के साथ काम करने में परेशानी होने लगी। शर्मिला ने राजेश खन्ना के साथ काम करने से मना तक कर दिया था। आज ऐसा मालूम होता है जैसे संगीत रो रहा है, चीख रहा है, आज हवा नहीं यहाँ आंधी चल रही है दर्द की। राजेश खन्ना के निधन के कई साल बाद शर्मिला ने इस राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि दरअसल फिल्म की शूटिंग सुबह 9 बजे शुरू हो जाया करती थी, जिसके लिए वे सुबह 8 बजे ही सेट पर पहुंच जाती थी। लेकिन
राजेश खन्ना शूटिंग पर घंटों देर से पहुंचते थे। 9 बजे की शूटिंग के लिए वह 12 बजे से पहले कभी सेट पर पहुंचे ही नहीं। राजेश खन्ना की इसी लेट लतीफी के चलते फिल्म की शूटिंग भी देर तक चलती और उनके साथ साथ शर्मिला टैगोर ही नहीं पूरी यूनिट को देर तक काम करना पड़ता। दरअसल तब तक शर्मिला टैगोर अपना घर बसा चुकी थी। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और पटौदी के नवाब मंसूर अली खान से शादी कर ली थी। वे समय से शूटिंग पर पहुंचती थी और समय से ही घर लौटकर अपना बाकी समय परिवार के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना के रवैये से इसमें अड़चन आ रही थी। लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारे इन तमाम नकली चेहरों के पीछे तुम्हारा असली चेहरा क्या है। मुझे तुमसे नफरत है। क्योंकि राजेश खन्ना शूटिंग के लिए हमेशा बहुत देर से पहुंचते थे। सुबह 9 बजे की शूटिंग के लिए वे कभी 12 बजे से पहले आते ही नहीं थे। यही वजह थी कि जब भी राजेश खन्ना के साथ शर्मिला शूटिंग पर होती तो उन्हें घर लौटने में बहुत देर हो जाती थी। शर्मिला कहती हैं कि राजेश खन्ना की इस हरकत से वह बेहद तंग आ चुकी थी और नहीं चाहती थी कि इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर पड़े। ईयर 1969 में आई आराधना में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी पहली बार सिनेमा के पर्दे पर आई और छा गई। शक्ति सामंता के लाजवाब निर्देशन वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और वही दोनों की जोड़ी का जादू लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जी। इसके बाद ईयर 1970 में आई असीत सेन की लव ट्रायंगल कहानी वाली फिल्म सफर, जिसमें शर्मिला डॉक्टर की भूमिका में थी और राजेश खन्ना कैंसर के मरीज के किरदार में। इस फिल्म में दोनों की अदाकारी ने दर्शकों को खूब भावुक किया। इसका गाना हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे और जिंदगी का सफर लोगों की जुबा पर खूब चढ़ा। आज भी लोग इसे गुनगुनाते हैं। जिंदगी का सफर है ये तैसा। ईयर 1972 की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही शक्ति सामंता के निर्देशन में बनी अमर प्रेम, जिसमें राजेश खन्ना आनंद बाबू और शर्मिला टैगोर पुष्पा की यादगार भूमिका में आए और ये जोड़ी 50 साल बाद भी दर्शकों के जहन में तरोताजा है। फिल्म का एक डायलॉग आई हेट टीयर्स तो हर किसी की जुबान पर रच बस गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। ईयर 1973 में एक बार फिर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर लव ट्रायंगल फिल्म दाग में सुनील और सोनिया के रूप में नजर आए। हम और तुम, हम और तुम, तुम और हम, तुम और हम, खुश नहीं। इन किरदारों को हिंदी दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसमें प्यार का तूफान चला और मोहब्बत की आंधी जुड़ी और जुड़ गया बॉलीवुड में एक नया अध्याय। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी। इस जोड़ी की अदाकारी वाली तराने आज भी सालों बाद युवा दिलों में चिंगारी भड़का देते हैं। चिंगारी कोई भड़के। वही रहना बीती जाए और कुछ तो लोग कहेंगे जैसे गाने आज भी हिंदी सिनेमा के चाहने वालों के दिलों में पुरानी यादें ताजा कर देते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम। ऐसा नहीं था कि शर्मिला हमेशा से राजेश खन्ना के साथ काम नहीं करना चाहती थी। वो तो खुद राजेश खन्ना की अदाकारी की फैन थी। राजेश खन्ना भी अपनी को एक्ट्रेस को काफी कंफर्टेबल फील कराते थे, लेकिन उनका स्टारडम बढ़ने के साथ साथ उनके स्वभाव पर इसका असर पड़ने लगा था। शूटिंग पर देर से आना राजेश खन्ना की आदत में शुमार हो चुका था। इसकी वजह से फिल्म की शूटिंग देर से शुरू होती और शेड्यूल पूरा करने के लिए शूटिंग देर तक चलती रहती। इससे सिर्फ शर्मिला ही नहीं बल्कि पूरी यूनिट को देर तक काम करना पड़ता। लेकिन ना तो राजेश खन्ना ने अपनी आदत में सुधार किया और ना ही उनके स्टारडम के आगे उनके सामने यह बात कहने की किसी की हिम्मत होती थी। राजेश खन्ना की लेट लतीफी के कारण शर्मिला काका के साथ काम करने में काफी असहज महसूस करने लगी थी।
राजेश खन्ना के साथ एक एक दिन की शूटिंग करना शर्मिला के लिए भारी पड़ने लगा था। महज 14 साल की उम्र में महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की अपूर संसार से फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली शर्मिला टैगोर लंबे समय तक हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइनों में शुमार रही। रहना बीती जाए, शाम ना। सालों तक उन्होंने करोड़ों युवा दिलों पर राज किया। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। अपनी बेमिसाल अदाकारी से महबूबा, पत्नी, माँ, तवायफ और न जाने कितने किरदारों में जान फूंकने वाली इस एक्ट्रेस ने 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस, 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और लाइफटाइम अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा उन्हें देश के 3rd उच्चतम सिविलियन सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। उधर राजेश खन्ना का जलवा भी कुछ कम नहीं था। वो जहाँ जाते उनके फैंस भी वहाँ पहुँच जाते, सड़कें जाम हो जाती, उनकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते। मजे की बात तो यह थी कि 16 साल की युवा लड़कियां भी उनकी दीवानी थी और 90 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी। बॉलीवुड के इस पहले सुपरस्टार का जलवा ऐसा था कि जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए पहुंचते तो उनकी गाड़ियां चाहने वालों से मिले फूलों से लदी होती थी। गाड़ियों पर लड़कियों के चुंबन के ढेरों निशान होते। लड़कियां अपनी लिपस्टिक से गाड़ियों पर प्रेम संदेश लिखा करती थी। उनकी दीवानगी इस कदर हावी थी कि उस दौर में कई लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली थी। ओ मेरे दिल के चैन। कई बार राजेश खन्ना को लड़कियों के खून से लिखे प्रेम पत्र भी मिला करते। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका कमाल का असर था। कहानीकार उन्हें ध्यान में रखकर कहानी लिख रहे थे, किरदारों डायलॉग्स भी उन्हें ध्यान में रखकर घड़े जा रहे थे। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन चुके थे। वो फिल्मी पर्दे पर सफलता का दूसरा नाम जाने जाते थे। चैनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। माना जाने लगा था कि जिस फिल्म में राजेश खन्ना होंगे वह कम से कम सिल्वर जुबली हिट तो होगी ही। वो ब्लॉकबस्टर फिल्मों का फुल प्रूफ फॉर्मूला बन चुके थे। राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला ईयर 1969 की फिल्म आराधना से जो शुरू हुआ उसमें उनके साथ लीड रोल में शर्मिला टैगोर ही थी। इसके बाद दोनों ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और छोटी बहू, मालिक, सफर, अमर प्रेम, राजा रानी, दाग से होता हुआ ये ईयर 1977 में आई त्याग तक चलता रहा। पूरे कागज पे लिखवा ले जिया किया। इनमें से बहुत सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर एक साथ शायद ही किसी फिल्म में पर्दे पर नजर आए। इस सुपरहिट जोड़ी के आगे फिल्मों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन राजेश खन्ना को लगने लगा था कि अगर वे लगातार शर्मिला टैगोर के साथ नजर आते रहे तो जल्दी ही दर्शकों में उनका क्रेज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ कई फिल्मों में काम करने से मना भी कर दिया था। शर्मिला टैगोर इससे काफी राहत महसूस करती थी क्योंकि राजेश खन्ना के साथ शूटिंग करना उनके लिए किसी सरदर्द से कम नहीं होता था। शर्मिला टैगोर खुद बताती हैं कि राजेश खन्ना स्टूडियो में शूटिंग कर रहे होते और बाहर उनकी फीमेल फैंस की भीड़ जमा रहती थी। लड़कियों में उनका गजब का क्रेज था। उनके पास जादू भरी मुस्कान, युवा ऊर्जा, लाजवाब अदाकारी और बेहतरीन आवाज थी जिसका वे खूब फायदा उठाते थे। मेरे दिमाग में कैसे भूचाल उठ रहे हैं। एक आग की नदी है जिसमें मैं बह जा रहा हूँ। न जाने कौन से ज्वालामुखी के गर्भ से जन्म लिया है इस नदी ने। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि असल जिंदगी में उनका व्यक्तित्व विषमताओं से भरा हुआ और बेहद जटिल था। उन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल काम था। वो अपने साथियों की खुलकर मदद करते। उन्होंने कई साथी कलाकारों, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और दूसरे लोगों को भी खुले दिल से मदद की थी। अक्सर वह अपने साथ काम करने वाले अभिनेताओं को महंगे तोहफे भी गिफ्ट किया करते थे। कभी कभी तो महंगी गाड़ियां,
घड़ियां और यहाँ तक कि घर भी तोहफे में दे देते थे। हालांकि इसके बाद उनकी अपेक्षाएं काफी बढ़ जाती थी और इससे उनके रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती थी। राजेश खन्ना की शोहरत, रुतबा, दौलत और खुले हाथों से पैसा खर्च करने की आदत के चलते बहुत से लोग उन्हें घेरे रहते। उनके लिए देर रात तक चलने वाली पार्टियां हर रोज दी जाती, लेकिन जब राजेश खन्ना का बुरा दौर शुरू हुआ तो ये सभी लोग जो उन्हें घेरे रहते और जिनकी काका खूब मदद किया करते थे, वो लोग अचानक गायब हो गए। दरअसल राजेश खन्ना एक तरह के स्क्रीन ट्रैप में फंसते जा रहे थे। वह अलग अलग एक्ट्रेस के साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके किरदार करीब करीब एक जैसे होते। हर फिल्म में उनकी इमोशनल डायलॉग होते और अंत में उनकी मौत। मौत, मौत, मौत। तुम तो जानते हो अविनाश, कैंसर के मरीज भी कई कई साल जिंदा रहते हैं। शायद मैं भी रहूं। तो मैं तुम्हें दूर से देखूंगा। वे इसी तरह की इमेज में बंद गए थे और एक समय ऐसा आया जब उनके लिए स्क्रीन पर अपनी इमेज बदलना मुश्किल हो गया था। दर्शकों की पसंद बदल रही थी, लेकिन राजेश खन्ना अपनी उसी इमेज में फंस कर रह गए थे। उनकी फिल्में अब पहले जैसे कमाई नहीं कर पा रही थी। उनके हाथों से अब स्टारडम फिसलने लगी थी। उन्होंने इसे सुधारने की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। धीरे धीरे लोगों के जहन से उनका जादू उतरने लगा। राजेश खन्ना को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि वो अपनी घटती लोकप्रियता का कारण जानने के बजाय अपने विरोधियों पर साजिश रचने का आरोप मढ़ने लगे। वो चमचों की बातें ज्यादा मानते थे और सही सलाह देने वालों से दूर ही रहते थे। इस कारण हालात बद से बदतर होते चले गए। हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने सुधरने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेश खन्ना की तबाही पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर से जुड़ी कुछ और जानकारियां हैं तो वह भी हमसे साझा करें। और अंत में चलते चलते एक और बात, अगर आप बॉलीवुड की क्लासिक कहानियों के शौकीन हैं और इनसे जुड़े कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल बॉलीवुड क्लासिक मोमेंट्स पर अवश्य विजिट करें। वहां पर हम सुनाते हैं बॉलीवुड के क्लासिक किस्से एक अलग ही अंदाज में। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट ज्योति को इजाजत। नमस्कार।